बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग मैजिकल टेंपल। इस कहानी की शुरुआत एक क्लासरूम से होती है जहां पर कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जिनका टीचर टेस्ट ले रहा होता है। यहीं पर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है जैस्मिन। जैस्मिन पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती, इसीलिए टेस्ट में उसे 0 मार्क्स मिलते हैं। जैस्मिन का एक दोस्त भी होता है जिसका नाम टिम है। टिम जैस्मिन से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी 0 नंबर तुम्हारा लकी नंबर है। टीचर ये बात सुन लेता और वो जैस्मिन के पास जाकर उसे डांटता है और उसे समझाता है कि अगर तुम पढ़ोगी नहीं तो तुम्हारा आगे भविष्य पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तुम जिंदगी की भीड़ में सबसे पीछे रह जाओगी। इसके बाद इनका एक और टेस्ट होता है जो इतिहास का यानी कि हिस्ट्री का होता है, और इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन में एक जगह का नाम पूछा होता है और जैस्मिन को ये नाम नहीं पता होता, लेकिन वो कुछ ना कुछ आंसर लिखना चाहती है, वहां पर वो खाली नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए वो अपने मन से वहां पर एक नाम लिख देती है जो होता है गोचा माओ। और जैसी वो नाम लिखती है हमें बाहर एक रोशनी दिखती है, हमें शहर के बीचों बीच दिखाया जाता है जहां पर कुछ पेड़ उग जाते हैं। और अगले दिन जैस्मिन जब अपने दोस्त टिम के साथ उस रास्ते से गुजरती है तो वो देखती है कि ये पेड़ यहाँ पर पहले नहीं थे और अब अचानक से यहाँ पर पेड़ उग गए हैं, इसीलिए टिम से कहती है कि हमें इसके अंदर जाना चाहिए। टिम और वो दोनों के दोनों उसके अंदर चले जाते हैं और वो देखते हैं कि अंदर पूरा का पूरा एक जंगल है। ये दोनों के दोनों जंगल के अंदर चले जाते हैं और दूर जाने के बाद इन्हें वहां पर एक पवित्र स्थल यानी कि एक मंदिर दिखता है। जैस्मिन अपनी जेब से कॉइन निकालती और मंदिर की तरफ फेंकती और विश मांगती है कि अगले टेस्ट में उसे पूरे 100 में से 100 नंबर मिले। दरअसल इतिहास के पेपर का टेस्ट का जो क्वेश्चन था जिसका आंसर उसने रेंडमली कोई नाम लिख दिया था, वो क्वेश्चन यही था कि कोई ऐसी जगह बताओ जहां पर कॉइन फेंकने के बाद इंसान की विश पूरी हो जाती है, इसीलिए जैस्मिन ने ऐसा किया होता है। अब अगले दिन जैस्मिन स्कूल जाती है जहां पर उसका एक और टेस्ट होता है और जब उसे क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसमें से उसे एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, लेकिन जैस्मिन अपने मन से कुछ उल्टे सीधे आंसर लिख देती है और इसके बाद वो वहां पर सो जाती है। इसके बाद जैस्मिन टीम को लेकर अपने घर आती है जहां पर वो देखती है कि उसके माता पिता लड़ रहे हैं, लेकिन वो उनकी लड़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसका मतलब ये है कि ये इनके घर की रोज की बात है। अब वो टीम को अपने कमरे में ले जाती है और उसे बताती है कि उसका एक भाई भी है जो कि बहुत ही ब्रिलियंट है, वो जिंदगी में हर एक टेस्ट में 100 में से 100 नंबर लाता था, लेकिन एक दिन जब उसका एंट्रेंस टेस्ट था तो वो उस टेस्ट को पास नहीं कर पाया, जिस वजह से उसे बहुत बुरा लगा, उसकी दिमागी हालत नॉर्मल नहीं रही और उसने अपने आप को हमेशा के लिए अपने कमरे में बंद कर लिया। अब वो किसी से बात नहीं करता। टीम कुछ देर जैस्मिन के साथ बात करने के बाद उसके घर से निकल जाता है। वहीं जैस्मिन के टीचर को दिखाया जाता है जो उसकी आंसर शीट को चेक कर रहा होता है, उसमें कई सारे क्वेश्चंस के आंसर गलत होते हैं। और तभी हमें उस मंदिर को दिखाया जाता है जिस मंदिर में सिक्का डालने के बाद जैस्मिन ने विश मांगी थी कि उसके 100 में से पूरे 100 नंबर आए। उस मंदिर में एक तेज रोशनी जलती है जो रोशनी पूरे शहर में फैल जाती है। वहीं जैस्मिन को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त टिम को कॉल कर रही होती है, लेकिन टिम उसका कॉल नहीं उठाता। और तभी जैस्मिन की एक दूसरी दोस्त का उसे मैसेज आता है, जो मैसेज में उसे बताती है कि टिम अब जापान का राष्ट्रपति बन चुका है। और ये न्यूज सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही होती है। जैस्मिन को कुछ भी समझ में नहीं आता। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तो उसे पता चलता है कि बहुत सारे अलग अलग देशों से बहुत सारे प्रेसिडेंट गायब हो चुके हैं और अब जैस्मिन का टीचर उसकी आंसर शीट उसके नंबर्स लेकर उसके पास आता है। वो बहुत खुश होता है और जैस्मिन को बताता है कि तुम्हें 100 में से पूरे 100 नंबर मिले हैं। जैस्मिन अपने मार्क्स देखकर बहुत हैरान होती है क्योंकि उसने आंसर शीट में एक भी सही आंसर नहीं लिखा था। उसे समझ नहीं आता कि उसे 100 में से पूरे 100 नंबर कैसे मिल गए जबकि उसने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखे नहीं थे। और तभी उसे अपनी विश याद आती है और अब वो अपनी आंसर शीट देखती है और देखती है कि उसमें जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि इस देश के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, जो जैस्मिन को पता नहीं था, और उसने वहां पर अपने दोस्त टिम का नाम लिख दिया था। साथ ही बहुत सारे क्वेश्चंस में दूसरे देशों के प्रेसिडेंट का नाम पूछा था जो उसने खाली छोड़ दिए थे और वो सारे के सारे अब मिसिंग हैं। जैस्मिन को समझ में आ जाता है कि जो भी उसने आंसर लिखे थे या छोड़े थे उसकी वजह से दुनिया में बदलाव आया है और अगर वो इन्हें सही कर देगी तो हो सकता है कि सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाए। और अब उसके पास जो आंसर शीट होती है जिसमें क्वेश्चंस लिखे होते हैं वो उनके आंसर गूगल करती है और अपने सभी आंसर्स को ठीक कर देती है, जिसके थोड़ी देर बाद ही उसका दोस्त टीम वापस आ जाता है क्योंकि उसे प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटा दिया गया है और दूसरे देशों के जितने भी प्रेसिडेंट होते हैं वो सब के सब वापस आ चुके होते हैं।
अब जैस्मीन का अगले दिन मैथमेटिक्स का टेस्ट होता है, लेकिन उसे आज इतनी चिंता नहीं होती क्योंकि अगर उसने कुछ कैलकुलेशन गलत लिख भी दी तो इसका दुनिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए जैस्मीन रेंडमली कोई भी आंसर लिखकर वहां से निकल जाती है और अपने दोस्त को लेकर यानी कि टिम को लेकर ऊपर रूफ टॉप पर जाती है, जहां पर वो टिम को बताती है कि तुम प्रेसिडेंट मेरी वजह से बने थे। दरअसल मुझे एक पावर मिली है, मैं जो कुछ भी आंसर में लिखती हूँ वो सब का सब घटना शुरू हो जाता है। टिम उसे एक पेपर देता और कहता है कि तुम इसमें लिखो, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ लिखती हो देखते हैं कि सामने एक टावर हिल रहा है और जैस्मीन को समझ में आ जाता है कि मैथमेटिक्स में जो उसने गलत आंसर लिखे हैं ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। अगर उसने जल्दी अपने आंसर्स को ठीक नहीं किया तो पूरी दुनिया में इसी तरह की तबाही आ सकती है। टीम और जैस्मीन जल्द से उस रूम में जाते हैं जहां पर उसकी आंसर शीट होती है और उसने अपनी आंसर शीट में जितने भी गलत आंसर लिखे होते हैं वो उन सब को ठीक कर देती है, जिसके बाद वो टावर हिलना भी बंद हो जाता है। जैस्मीन अपने दोस्त टीम को कहती है कि मुझे सब कुछ ठीक करने के लिए दोबारा उस मंदिर के पास जाना होगा ताकि मैं दोबारा विश मांग सकूं। लेकिन जब ये उस जगह जाते हैं तो देखते हैं कि जंगल का रास्ता पूरी तरह से गायब हो चुका होता है और अब जैस्मीन के पास पूरी दुनिया को ठीक से चलाने के लिए एक ही रास्ता है कि उसे हर एक क्वेश्चन का सही सही आंसर देना होगा। इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना शुरू कर देती है और अगली सुबह जब वो टीम के साथ स्कूल जाती है तो देखती है कि उसका मैथ्स का जो टेस्ट होता है वो चेक हो रहा होता है और टीचर उसे 100 में से 100 नंबर देता है। अब जैस्मीन जब घर वापस आती है तो देखती है कि उसके पिता बहुत खुश होते हैं। जैस्मीन को बताते हैं कि आज मेरे बहुत सारे वाटर प्यूरिफायर बिके। दरअसल वाटर को प्यूरिफाई करने की मशीन का उनका बिजनेस होता है और इसके पीछे भी जैस्मीन का हाथ होता है क्योंकि उसने अपनी आंसर शीट में लिख दिया था कि वाटर प्यूरिफायर एनर्जी का सबसे अच्छा सोर्स है। अगर आप सबसे अच्छी एनर्जी सबसे ज्यादा एनर्जी लेना चाहते हैं तो आपको प्यूरिफायर का वाटर पीना चाहिए और इसीलिए उसके पिता के प्यूरिफायर की सेल अचानक से कई 100 गुना बढ़ गई थी। इस बात से जैस्मीन को भी खुशी होती है और वो तय करती है कि वो अपने आंसर्स को ठीक नहीं करेगी। पर जब वो टीवी पर न्यूज देखती है तो उसे पता चलता है कि वाटर प्यूरिफायर के लिए पानी के लिए दुनिया में एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं। ये देखकर वो घबरा जाती है और जल्दी से अपने सभी क्वेश्चंस के आंसर्स पूरी तरह से ठीक कर देती है, जिसके बाद दुनिया में लोग जो वाटर प्यूरिफायर के लिए लड़ रहे थे वो लड़ाई खत्म हो जाती है। जैस्मीन अपने माता पिता की लड़ाई झगड़े से बहुत ज्यादा दुखी और परेशान थी और इसका कारण ये था कि उसकी मॉम एक आदमी को बहुत पसंद करती थी, जिस वजह से उसके माता पिता के बीच में हमेशा लड़ाई हुआ करती थी। अब अगले दिन जब उसका साइंस का टेस्ट होता है तो उसमें एक क्वेश्चन होता है कि अगला वो इंसान कौन होगा जो स्पेस में जाएगा और यहाँ पर जैस्मीन उस आदमी का नाम लिख देती है जिसे उसकी मॉम पसंद करती है और वो आदमी स्पेस में चला जाता है, जिसके बाद जैस्मीन के माता पिता की लड़ाई खत्म हो जाती है। उनके परिवार में एक बार फिर से खुशियां आ जाती है जिससे जैस्मीन बहुत खुश होती है। जैस्मीन अब अपने भाई को भी ठीक करना चाहती है, इसीलिए वो एक पेपर पर लिख देती है कि अगली सुबह उसका भाई अपने कमरे से बाहर आएगा और सबको विश करेगा। लेकिन उसका भाई कमरे से बाहर नहीं आता बल्कि उसके पिता कमरे में जाते हैं और अपने बेटे को समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जैस्मीन के पिता अब पहले से भी ज्यादा परेशान है क्योंकि उनके काम की बिजनेस की जो सेल होती है वो बहुत ज्यादा कम हो चुकी होती है। साथ ही उसकी मॉम जो पहले एक आदमी से प्यार किया करती थी अब वो कई लोगों से बात करती है। जैस्मीन को यहाँ पर समझ में आ जाता है कि वो जो भी पेपर में लिखेगी उससे कुछ देर के लिए चीजों को ठीक तो किया जा सकता है लेकिन वो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। उसे परमानेंट सॉल्यूशन के लिए खुद ही कुछ करना होगा। वो अपने भाई को किसी भी कीमत पर कमरे से बाहर लाना चाहती है, इसीलिए उसके कमरे के बाहर वो पढ़ना शुरू कर देती है और जानबूझकर गलतियां करती है। हालांकि उसका भाई सुन लेता है लेकिन वो उसकी गलती को ठीक करने के लिए बाहर नहीं आता। जैस्मीन अब स्कूल जाती है जहां पर उसे क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। उसे एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, दरअसल ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होता है। वो उसका कोई भी गलत आंसर नहीं लिखती और घर वापस आ जाती है ताकि उस आंसर को सीख सके और जब वो उस आंसर के बारे में पढ़ रही होती है तो उसका भाई कहता है कि मैं तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा और वो अपनी बहन को दरवाजे की दूसरी तरफ से ही पढ़ाना शुरू कर देता है। दरअसल जैस्मीन जिस तरह से पहले बिल्कुल पढ़ाई में जीरो थी अब उसने बहुत कुछ सीख लिया होता है क्योंकि अब वो मेहनत कर रही होती है ताकि उसके किसी गलत आंसर से दुनिया पर कोई भी असर ना पड़े। साथ ही उसकी मॉम को भी एहसास होता है कि उसे अपने परिवार को टाइम देना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए वो दूसरे लोगों के जिनसे वो बात किया करती थी उन सब के नंबर अपने फोन से डिलीट कर देती है। साथ ही जैस्मीन के पिता अपने बिजनेस में पहले से भी ज्यादा ध्यान देते हैं जिससे उनका बिजनेस पहले से भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। जैस्मीन की जिंदगी में अब सब कुछ ठीक होने लग गया है। वो
वो पढ़ाई में भी बहुत तेज हो चुकी है और अब जब वो अपना टेस्ट देती है तो बिना किसी की मदद से, बिना किसी विश के, वो अपने टेस्ट में 100 में से 100 नंबर लेकर आती है। वो भागकर घर आती है और ये खबर अपने भाई को सुनाती है। दरअसल आज वो बहुत खुश है, लेकिन उसका भाई उससे बात करने के लिए अब भी कमरे से बाहर नहीं आता, जिससे जैस्मीन को बहुत दुख होता है। दरअसल उसे उम्मीद थी कि ये बात सुनने के बाद उसका भाई कमरे से बाहर आएगा और उसे शाबाशी देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैस्मीन अब अगले दिन अपने माता पिता के साथ लंच कर रही होती है, तभी वो देखती है कि उसका भाई कमरे से बाहर आ गया। उसका भाई अपने पिता से, अपनी मॉम से और अपनी बहन से माफी मांगता है। उसे एहसास होता है कि उसे इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए था। जिस टेस्ट में वो फेल हुआ था वो मात्र एक टेस्ट ही था, ऐसे टेस्ट तो हर साल कई होते हैं, वो और भी दूसरे टेस्ट देकर पास हो सकता था। अब जैस्मीन की जिंदगी में सब कुछ पहले से भी ज्यादा बेहतर हो चुका है, वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश होती है। अगली सुबह जब वो टीम के साथ स्कूल जा रही होती है, वो देखती है कि उसके बैग में एक आंसर शीट है जिसे उसने पहले फाड़ दिया था, और ये वही आंसर शीट होती है जिसमें उसने पहले क्वेश्चन का आंसर गोचा माओ लिखा था, जो कि पूरी तरह से गलत था। इस टेस्ट में उसे 5 मार्क्स मिले थे, इसीलिए उसने इस टेस्ट के आंसर शीट को फाड़ दिया था, और ये वही आंसर शीट होती है जिस आंसर शीट में उसने क्वेश्चन का आंसर गोचा माओ लिखा था। अब ये इस आंसर शीट को जोड़ती है और जैसी वो उन दोनों पन्नों को मिलाती है तो वहां पर एक बार फिर से जंगल का रास्ता खुल जाता है, और यहाँ पर उसे समझ में आ जाता है कि क्यों यहाँ पर जंगल का रास्ता खुला था। वो टीम के साथ एक बार फिर से उसी मंदिर के पास जाती है और वहां पर विश मांगती है कि इस दुनिया में मेरी वजह से, लिखने की वजह से जो कुछ भी गलत हुआ है वो पूरी तरह से ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। और मायूस होकर जैस्मीन टीम के साथ वापस स्कूल आ जाती है जहां पर उसका टेस्ट होता है, आज ज्योग्राफी का टेस्ट होता है। और जब वो आंसर्स लिख रही होती है तो उसे याद आता है कि जब उसने विश मांगी थी तो वहां पर उसने एक कॉइन फेंका था, और अब उसे एहसास होता है कि अगर उसे अपनी विश को रिवर्स करना है, यानी कि दुनिया में सब कुछ ठीक करना है, तो उसे उस कॉइन को वापस लेना होगा। इसीलिए जल्दी से वो अपने सभी आंसर जितने भी उसे आते थे वो लिख कर वापस उसी मंदिर के पास पहुंच जाती है और कॉइन को ढूंढना शुरू कर देती है, और वो देखती है कि कॉइन वहां पर लकड़ियों की जाली के अंदर गिरा होता है, उसका हाथ वहां पर नहीं पहुंच सकता। इसीलिए वो लकड़ी के सारे कॉइन को ऊपर खींचने की कोशिश करती है ताकि दुनिया में सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाए, उसकी विश खत्म हो जाए। वहीं स्कूल में उसके टीचर को दिखाया जाता है जो एग्जाम्स के पेपर्स चेक कर रहा होता है, और जब उसके सामने जैस्मीन का पेपर आता है तो हमेशा की तरह वो उसे पूरे के पूरे 100 नंबर दे देता है, और जैस्मीन वहां उस कॉइन को निकाल रही होती है। वो बड़ी मुश्किल से लकड़ी में उस कॉइन को अटका लेती है और धीरे धीरे ऊपर खींचना शुरू करती है, और जैसी वो कॉइन को पकड़ने वाली होती है कि कॉइन एक बार फिर से नीचे गिर जाता है, और तभी एक तेज रोशनी होती है, और इस रोशनी के बाद दिखाया जाता है कि जैस्मीन गायब हो चुकी है, साथ ही पूरे शहर के लोग गायब हो चुके हैं, उसके टीचर भी, यानी कि इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं बचा, सबके सब गायब हो चुके हैं। और तभी हमें जैस्मीन का पेपर दिखाया जाता है जो उसने अभी अभी दिया था, जो कि ज्योग्राफी का पेपर था। उसमें आखिरी क्वेश्चन ये था कि इस दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है, जिसका आंसर उसने नहीं लिखा था, यानी कि 0। और यही एक कारण होता है कि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन के साथ साथ जैस्मीन खुद भी गायब हो जाती है। तो ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी, ये एक पूरी काल्पनिक कहानी है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।